दोस्तों अगर आप कहीं जाएं तो गाड़ी को धीरे चलाएं, अपने कंट्रोल में चलाएं। ये घटना है सुबह 8:30 बजे की 27 अप्रैल की, जो एक नई गाड़ी से बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। देखो ये टायर अलग पड़ा है गाड़ी का। ये रोड है खुर्जा से नोएडा की तरफ जाने का, ब्रेजा गाड़ी है, आपको गाड़ी भी दिखाने वाला हूँ। गाड़ी बगल में ही पलटी पड़ी, पलट के कई पलटियाँ मारने के बाद गाड़ी सीधी हुई है और एकदम जो इस खंभे में बहुत ज़बरदस्त तरीके टकरा के, इस खंभे की हालत देख ही सकते हो किस तरह से टेढ़ा हो गया। गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी, गाड़ी का एक टायर टूट के अलग गिर गया और खंभा इतना टेढ़ा हो गया और गाड़ी दूर जाकर पलटी। ये वो गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट उस खंभे से हुआ है। और इस सुबह के टाइम में हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गई हो या वजह जो भी रही हो, आप गाड़ी की कंडीशन देखो, गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है, उसकी छत पूरी तरह से पिचक गई है पलटने की वजह से। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग के नीचे वाला टायर देखो, टायर नहीं है इसका, टायर निकल के पूरा पहिया ही निकल के दूर गिर चुका है। पहिए का एक्सल भी टूट गया है, चिमटा भी टूट गया है। गाड़ी पर अभी नंबर प्लेट भी नहीं है, एकदम नई गाड़ी है, लेकिन इसकी पूरी तरह टक्कर की वजह से पूरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। गनीमत इसमें ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। जो भी चोटें आई, चोट तो काफ़ी आई लोगों को, वो हॉस्पिटल लेके चले गए। यहाँ से खुर्जा ज़्यादा दूर नहीं है, खुर्जा की दूरी यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर है। इस गाड़ी में जो नई नई शादी होकर आई थी, दूल्हा दुल्हन दोनों सवार थे, जिन्होंने चोटें आई है वो हॉस्पिटल के लिए यहाँ से ले चुके हैं एम्बुलेंस से। गाड़ी कई कला खाने के बाद, कई पलटियाँ मारने के बाद इस साइड में आई है। जैसे आप देख सकते हो कि इसकी छत पूरी तरह से पिचक चुकी है और इसका टायर भी टूट के अलग गिर चुका है। इसकी नंबर प्लेट तो अभी आई ही नहीं है क्योंकि नई गाड़ी है। इसकी सीटों को देख सकते हो, ये गाड़ी टकराने के बाद पलट चुकी थी, जो कि यहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर इसको सीधा किया और इसको साइड में कर दिया रोड से किनारे। आगे चल के देखते हैं गाड़ी कहाँ से टकराई खंभे से और कहाँ से कहाँ तक आई है और किस वजह से ये पलटी है। और ये रोड के दूसरी साइड से इधर पलटी है, जैसे अभी अब जिधर जा रहे हैं सामने चार खंभे देख रहे हो, चार खंभों में से एक खंभा टेढ़ा होकर, रोड तो काफ़ी चौड़ा है। और देखते हैं पास जाके इस खंभे की हालत क्या है। ये देखो ये एक पड़ा गाड़ी का टायर और खंभे की वाल देखो, ये बिल्कुल अलग टूट गया है। गाड़ी के ऑल पार्ट्स पड़े हैं, रिम टेढ़ी हो गई है, टायर बिल्कुल अलग, चिमटा सब दिख रहा है, ये खंभा टेढ़ा हो गया बिल्कुल। खंभे का जो तार होता है साइड में लगा हुआ, वो भी टूटा हुआ। खंभे की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी। गाड़ी की स्पीड भी अच्छी खासी रही होगी। ये गाड़ी इस साइड से आई है, सामने से आ रही थी और चल के रॉन्ग साइड हो गई। टायर का निशान देख रहे हो, घास पे बना हुआ टायर का निशान बन रहा है, मतलब रॉन्ग साइड में आ गई। सामने से गाड़ी आ रही है अपनी साइड से चेंज करते हुए, यहाँ से सीधा इस झाड़ियों के क्रॉस करते हुए और सामने खंभे में लगी है। यहाँ से सीधा ये होके जा रहा, टायर का निशान बना, सीधा खंभे में वहाँ लगी है। यहाँ से सीधा सीधा ऐसे गई गाड़ी और जहाँ जो बंदे खड़े हैं, ये टायर तो पड़ा ही है इसमें लगते हुए और रोड की तरफ को पलटी है। ये टायर पड़ा हुआ है यहाँ पे, खंभा भी पूरा टेढ़ा हो रखा है, तार टूटा पड़ा है। और आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे ये जहाँ जो लोग खड़े हैं, बाइक खड़ी है, वहाँ तक जाके गाड़ी पलट गई है। जैसे देख सकते हो वो गाड़ी सामने वैगनार खड़ी है, उस गाड़ी के नीचे जो सफ़ेद दिख रहा कांच पड़ा है, कांच का पूरा टुकड़े पड़े हैं छोटे छोटे, और गाड़ी यहाँ पलटी है और उस तरफ को रोड पे सीधी करी है फिर बाद में, क्योंकि गाड़ी का पलटा यहीं हो गया था। उधर वो सामने गाड़ी की हालत देखो, टूटी पड़ी है, रोड पे कांच फैला पड़ा है। दोस्तों ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, लेकिन ये ज़रूर करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए।